ट्रैक्टर ने ली है एक युवक की जान। ग्रामीणों ने शव को रखकर एटार नधौली मार्ग जाम किया। पुलिस को देखकर गुस्साए ग्रामीण लाठियां लेकर आलाधिकारियों पर दौड़े हैं। ग्रामीण और गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव भी किया। पथराव में एसडीएम सदर घायल हुए हैं। घायल एसडीएम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल पर पीएसी की बटालियन की तैनाती। कोतवाली नगर क्षेत्र के नधौली रोड की यह पूरी घटना बताई जा रही है और लाठियां लेकर आला अधिकारियों पर ग्रामीण दौड़े हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें और गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव किया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव किया। पथराव में एसडीएम सदर घायल भी हुए हैं। एटा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पथराव किया गया है। एसडीएम सदर इस पूरे पथराव में घायल भी हुए हैं और योगेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एसडीएम सदर के घायल होने की बात सामने आ रही, ग्रामीणों ने शव रखकर एटा निधौली मार्ग को भी जाम कर दिया था, क्या आखिर यहाँ पर कमियाँ पाई गई? क्योंकि जिस तरह से पथराव हुआ है, ये एक बड़ा यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता था। जी, मैं बता दूं कोतवाली नगर थे तो इधर उस निधौली रोड क्षेत्र का मामला है। वहां पर एसडीएम और सीओ पहुंचे थे समझान बजाने के लिए। दो घंटे तक जाम लगाए रखा था। सतेंद्र नाम की जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनने सिर्फ खुजली की दवाई लेने आया था व्यक्ति, उसको गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। मेडिकल में भर्ती में डॉक्टरों ने बता दिया ऐसा हो, और उसके बाद भी फिर एसडीएम समझा रहे हैं। एसडीएम को समझाने के बाद फिर ग्रामीण भड़क के और पथराव कर दिया, लगभग दो घंटे तक चला है। जी बिल्कुल। लेकिन योगेश, क्या झोला छाप डॉक्टर को लेकर यहाँ पर कोई कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है? क्योंकि अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए ये परेशानी की बात है। जी मैं बताऊँ, प्रशासन हमेशा जब भी कोई झोला छाप वाली बात होती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही करता है। प्रशासन हर बार ये बोलता है कि इन झोला छापों डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होगी, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले भी कुछ ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जिनका कुछ नहीं है, मगर वो ब्लेड निकाल रहे हैं, जिनको ब्लेड निकालने का भी वो कमी नहीं है, मगर उसके बाद भी और डॉक्टर जब बात की जाती है सीएमओ, तो सीएमओ अपना पल्ला झाड़ लेता है और सीएमओ ये हर बार यही कहते हैं कि इन ऐसे झोला छापों पर डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी, मगर कोई कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एटा में ग्रामीणों ने शव को रखकर एटा नधौली मार्ग को जाम किया है और यहां पर पथराव भी हुआ। इस पथराव में एसडीएम सदर